हेलो स्टूडेंट्स दिस इज कोमल योर एस एस एजुकेटर वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट किंडर गार्डन से लेके क्लास ट्वेल्व तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल हैं इन हिंदी मीडियम जैसे कि यूपी बोर्ड बिहार बोर्ड डेली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है डेली प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी मिलेंगे तो भाई प्रैक्टिस भी करते जाइएगा ई e नोट्स और ई बुक्स के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है तो भटकने की बात नहीं बनती है सो so, आज हम क्या करेंगे थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स किन के बारे में जानेंगे भाई जो टाइम है उनके बारे में सोचेंगे मतलब जो सोचा गया है तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे जो पीरियड्स अलग अलग टाइप में डिवाइड हुए हम बोलते हैं ना एंशियंट हिस्ट्री में डाइवल हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री एंशियंट इंडिया में डाइवल इंडिया मॉडर्न इंडिया तो इस टाइप से कैसे कैसे डिविजन हुआ क्या चीज़ें हुई वो हम जानेंगे इससे पहले हमने क्या जाना था याद है किसी को याद है किसी को तो फटाफट से कॉमेंट में बता दो और कॉमेंट में बता दो कि आप रेडी हैं अपने क्लासमेट्स को तो शेयर कर दीजिए और फटाफट से लाइक कर दीजिए स्टार्ट करते हैं ओके okay. स्टार्ट करने से पहले थिंकिंग करने से पहले सोचने से पहले क्या करेंगे एक बार डिस्कशन कर लेते कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था हमने देखे थे ओल्ड एंड न्यू रिलीजन जो नए धर्म आए थे जैसे सबसे इंपॉर्टेंट उस टाइम पे हिंदुइज्म आया था फिर उसके बाद जो हिंदू लोगों का देखा था कि ब्राह्मण सोसाइटी के लोग काफ़ी ज़्यादा उठ के आए थे मतलब ब्राह्मण जो कास्ट के लोग ज़्यादा उठ के आए थे सोसाइटी में डोमिनेट थे क्यों क्योंकि क्यों? क्यों? उनके ऊपर मतलब पैटर्न जो अच्छे जो इन्फ्लुन्शल पीपल है उनका हाथ था और उन्हें संस्कृत आती थी बेसिकली तो उन्हें काफ़ी अच्छा रिस्पेक्ट दी जाती थी देन हमने देखा फिर एक मुस्लिम जो है रिलीजन आया ठीक है वो लोग की होली बुक कुरान थी ये सब हमने देखा शिया मुस्लिम सुन्नी मुस्लिम्स के बारे में हमने जाना तो कैसे कैसे अलग धर्म आए उनके बारे में हमने समझा और वो उस पीरियड में टाइम कौन सा बार बार मैं लिखती हूं सात सौ से लेके सत्रह पचास का ठीक है ये ये जीरो है इसको सिक्स मत समझ लेना उल्टा सिक्स मत समझ लेना ये जीरो है और जलेबी भी मत समझ लेना थोड़ा सा जलेबी जैसा लग रहा है चलो तो मैं भूख लगने लगेगी इसलिए इसको हटाई देती हूँ जीरो ओके टाइम ऑल्सो रिफ्लेक्ट चेंजेस इन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इन द परसिस्टेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडियाज एंड बिलीव्स क्या होता है टाइम क्या दिखाता है टाइम क्या रिफ्लेक्ट करता है चेंजेस इन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन जो भी बदलाव आते हैं किसमें सोशल एंड ऑर्गेनाइज जो है इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में टाइम के साथ होता है ना उस वक्त सोसाइटी कैसी थी आज ऐसी नहीं है आज अगर सोसाइटी ऐसी है तो ज़रूरी नहीं कि आने वाले टाइम पे सोसाइटी या कल्चर ऐसा होगा तो टाइम क्या बताता है टाइम बताता है कि जो चेंज हुए जो बदलाव हुए है सोशल लोगों में सोसाइटी में ठीक है साथ में इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन पैसों से रिलेटेड इकोनॉमिक मॉनिटरी टर्म्स में कैसे कैसे चीज़ें बढ़ी हैं कमाई होती थी कैसे चीज़ें थी लोगों की क्लास ये सब से रिलेटेड इन द परसिस्टेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडियाज़ एंड बिलीव भाई जो आइडियाज़ होते गए बढ़ते गए जो ट्रांसफॉर्मेशन होते गए लोगों के आइडियाज़ लोगों के विचार बदले लोगों के किसी चीज़ को लेके बिलीफ्स बदले धारणाएं बदली सोच बदली ठीक है तो ये सब क्या है चेंजेस आए हैं द स्टडी ऑफ टाइम इज मेड सम वॉट इजियर बाय डिवाइडिंग द पास्ट इन टू लार्ज सेगमेंट कैसे पीरियड्स दैट शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स टाइम को डिवाइड करा गया टाइम वही बात हो रही है ना कि टाइम ही तो रिफ्लेक्ट करता है कि उस टाइम पे क्या लोगों के रहे होंगे उस टाइम पे हो सकता है बहुत ज्यादा धार्मिक लोग रहे होंगे है ना या उनकी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी ना रही हो आज लोग पैसे वाले हैं लोग पैसा कमा रहे हैं बट इतने ज्यादा धार्मिक नहीं है आने वाले टाइम पे कैसा हो तो ये डिफरेंस दिखाता है सोसाइटी कैसी थी पहले अब अलग है ठीक है ये डिफरेंस दिखाता है तो ये सब क्या है टाइम चेंज दिखाता है तो स्टडी ऑफ टाइम इज मेड सम वॉट इज बाई डिवाइडिंग द पास्ट इन टू लार्ज सेगमेंट्स टाइम की स्टडी से क्या फ़ायदा होता है क्या हेल्प करता है टाइम की स्टडी द स्टडी ऑफ टाइम इज मेड सम वर्ड ईजियर बाई डिवाइडिंग द पास्ट इन टू लार्ज सेगमेंट्स पास्ट को लार्ज सेगमेंट में डिवाइड करने में हेल्प करता है जैसे पीरियड्स दैट पोजेस शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक जो क्या पोजेस करता है शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स जो सबके अपने अपने हर टाइम के जैसे हम चाहे मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें मिडाइवल हिस्ट्री की बात करें या हम किसकी एंशियट हिस्ट्री की बात करें सबका अपना अपना एहसेंस है अपना जो है अपनी अच्छी चीज़ें हैं अलग अलग बातें हैं इन द मिडल ऑफ द नाइनटीन सेंचुरी ब्रिटिश हिस्टोरियन डिवाइडेड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन टू थ्री पीरियड्स अगर बात करें कब की नाइनटीन सेंचुरी नाइनटीन सेंचुरी की बात करें उन्नीसवीं शताब्दी की बात करें तो एक हिस्टोरियन थे कौन से हिस्टोरियन ब्रिटिश हिस्टोरियन अंग्रेजी हिस्टोरियन थे ब्रिटिश हिस्टोरियन थे जो ब्रिटिश के होंगे उन्होंने डिवाइड करा था हिस्ट्री ऑफ इंडिया को इंडिया की हिस्ट्री को थ्री पार्ट में डिवाइड किया था यह बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको ना मैं रेड अलग अलग कलर से करूंगी ये अलग अलग कलर से बनाऊंगी समझ में आएगा ये इंपॉर्टेंट है कि एक ब्रिटिश हिस्टोरियन थे जिन्होंने इंडिया को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया था अलग अलग पीरियड्स में डिवाइड किया था कैसे एक पीरियड उन्होंने बताया था क्या था एक हिंदू टाइम था जिसमें हिंदू लोग थे देन मुस्लिम पीरियड देन ब्रिटिश उन्होंने जो एंशंट इंडिया था जिस टाइम पे वेद वगैरह थे है ना सिविलाइजेशन अच्छा, था जैन बौद्धिज्म ये सब चीज़ें थी राजा महाराजा थे तो उस पीरियड को इन्होंने कहा हिंदू पीरियड हिंदुज्म था हिंदू रिलीजन था देन जब मिडाइवल हिस्ट्री में क्या है भाई दिल्ली सल्तनत हुई अलग अलग जो टर्क अफगान से आए अटैक्स हुए इंडिया में है ना कहाँ से ज़्यादातर अटैक होते थे ज़्यादातर अटैक आप देखेंगे ये नॉर्थ है ये वेस्ट है तो इस साइड से लोग ज़्यादा अटैक करते थे तो इरानियंस एरा, आ गए है ना अफगान अफगानी लोग आ गए टर्कस लोग आए जो टर्की से अलग अलग लोग यहाँ से अटैक करते थे देन ऐसे आए दिल्ली सल्तनत दिल्ली सल्तनत के बाद आई मुगल्स तो ये पूरा टाइम क्या बोल दिया पूरा मुस्लिम्स जो मुस्लिम रिलीजन इस टाइम पे ज़्यादा फ्लोरिश हुआ तो उन्होंने मुस्लिम पीरियड बोला इसको किसको मिडाइवल हिस्ट्री को देन जो ब्रिटिश है ब्रिटिश मतलब जब अंग्रेज आ गए अंग्रेज आ गए तो मॉडर्न इंडिया था वो तो अंग्रेज अंग्रेज अंग्रोज अंग्रेजों ने इतने सालों तक राज किया तो उन्होंने किस पर डिवाइड कर लिया भाई ब्रिटिश तो उन्होंने इसको कैसे डिवाइड किया याद रखना हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश में इन्होंने हिस्ट्री को डिवाइड कर डाला किसने ब्रिटिश हिस्टोरियन ने कब उन्नीसवीं शताब्दी में आया समझ में ये सब एक बार और देख लेते हैं हम किस की बात करें हम टाइम की और हिस्टोरिकल पीरियड्स की बात कर रहे हैं तो क्या होता है वक्त के साथ चीज़ें बदलती हैं सोशल और इकोनॉमिकल चेंजेस आते ही आते हैं लोगों के बिलीव्स चेंज होते हैं थिंकिंग चेंज होती है आइडियाज़ चेंज होते हैं तो ऐसे ही चेंज हुए देन किस टाइप में डिवाइड करा अलग अलग पार्ट में हिस्ट्री को डिवाइड करा गया किसने ब्रिटिश बिर्टि हिस्टोरियन ने उन्नीसवीं सदी में हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश में उन्होंने डिवाइड किया आया समझ में तो फटाफट से लाइक कर दो चलो

उन्होंने ये जो रिच डाइवर्सिटी है हमारे भारत की जो इतने विविधताएं अलग अलग देश अलग अलग सॉरी अलग अलग धर्म हैं अलग अलग जाति पाति के लोग कास्ट हैं अलग अलग लोगों की कल्चर हैं कस्टम्स ट्रेडिशन है उन सबको इन्होंने इग्नोर कर डाला भैया इन्होंने इग्नोर कर दिया कि मुझे वो नहीं देखना मेरे को तो दिख रहा है हिंदू लोग थे हिंदू का टाइम था देन मुस्लिम का पीरियड है देन ब्रिटिश का पीरियड है उन्होंने कर दिया डिवाइड ठीक है उन्होंने ये जो इतनी अच्छी जो रिच डाइवर्सिटी हमारे इंडिया की जिसकी बोलबाला चलता है जिसकी हम बात करते हैं वो इग्नोर ही कर डाला ठीक है तो दिस डिविजन ये जो डिविजन है जो कौन सा डिवीज़न हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश वाला दिस डिविजन वॉज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट द रिलीजन ऑफ रूलर जो जो राजा होंगे उनका जो धर्म होगा वॉज द ओनली इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल चेंज बस वही एक इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल चेंज है बाकी तो इतिहास में इंडिया के कोई बदलाव ही नहीं हुआ बस धर्म बदले हैं बाकी तो कुछ हुआ ही नहीं ऐसा ये कहते हैं कौन ब्रिटिश हिस्टोरियन ठीक है उनका मानना यह कि जो मेन चेंज हुआ है ना वो धर्म में हुआ है रूलर्स के जो राजा महाराजा हैं पहले हिंदू राजा राज करते थे फिर मुसलमान हैं ठीक है एंड दैट देयर वर नो अदर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट और कोई खास डेवलपमेंट नहीं हुआ है इनका कहना है कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है कोई तरक्की नहीं की हमारे देश ने बस धर्म बदलें ठीक है तो क्या है दैट देयर वर नो अदर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट कोई खास डेवलपमेंट तरक्की नहीं की है बस क्या हुए राजाओं ऐसे राज उन्होंने देखा कि हिंदू राजा का वक्त था एनशियट इंडिया एंशियंट टाइम पे देन देडा मिडाइवल आया मध्य भारत मध्यकालीन का बात आया तो भाई मुस्लिम राजा हो गए और कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ किस बेसिस पे कोई इकोनॉमी में डेवलपमेंट नहीं हुआ सोसाइटी में कोई खास डेवलपमेंट कल्चर में कोई खास डेवलपमेंट नहीं हुआ बस लोगों के जो राजाओं के धर्म चेंज जो धर्म चेंज हुए धर्म चेंज एज एन पहले हिंदू राजा राज करते थे देन एक टाइम बाद एक वक्त बाद मुस्लिम राजा फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स आ गए बस यही हुआ है बाकी कोई खास डेवलपमेंट नहीं हुआ है और इन्होंने क्या, इस डिवीजन ने क्या इग्नोर करा जो इतनी रिच डाइवर्सिटी जिसकी सब तारीफ करते बात करते करते कि भारत कितना ज़्यादा डाइवर्स देश है विविधताओं का देश है सेक्यूलर कंट्री है लोग एक दूसरे की धर्म की कास्ट की इज्जत करते समझते एकता से रहते हैं तो वो इन्होंने इग्नोर कर दी किसकी बात हो रही है इतनी जो तारीफें हम कर रहे हैं अलग तरीके से तारीफ कर रहे हैं किसकी बात हो रही है वो ब्रिटिश हिस्टोरियन की जिन्होंने सेंचुरी में बुक में बताया था

एंशंट इंडिया यानी पुराने जो हिस्ट्री की बात करें अगर आपको याद है सिक्स का याद तो होना चाहिए किस किस को याद है फटाफट से बता दो ये, जो भी लिखा है याद है कि बिल्कुल ही भूल गए क्लास चेंज हुई और बिल्कुल ही कि चलो छोड़ो हम पुरानी यादें लेके आगे नहीं बढ़ेंगे नहीं ऐसा नहीं है ये काम आते हैं ऐसा नहीं कि पास्ट वन पास्ट टू से रिलेट नहीं करता सब अपने से रिलेट रखते हैं क्रोनोलॉजी रहती चीज़ों की तो इसमें क्या है यही कह रहे हैं कि अगर हम पुरानी बात करें तो हम अगर आप जो लास्ट क्लास में रहे होंगे जो पुरानी हिस्ट्री की बात करें तो उसमें हमने हंटर एंड गैदरर्स के बारे में बात करते थे कौन है ज़रा सा मुझे बताओ तो जरा कौन है जो लोग क्या करते थे हंटिंग करते थे और जानवरों को गैदर करते थे मतलब अपने लिए खाना पीना इकट्ठा करते थे और बस जीवन जिंदगी जीते बिताते थे तो उन्हें हंटर एंड गैदर्स कहते थे ठीक है जो टाउन्स में धीरे धीरे शिफ्ट हुए धीरे धीरे फार्मिंग स्टार्ट हुई फिर राज महाराज बने ठीक है वैदिक आया उस टाइम पर काल आया है ना जैनिज्म भी आया उस टाइम पर बुद्धिज़्म भी आया फिर जो है अदर किंगडम्स और एम्पायर्स भी बने तो ये सब एनशियट इंडिया यानी ओल्ड इतिहास कह सकते हैं इतिहास पार्ट वन एनशियट हिस्ट्री की बात हो रही है ठीक है बट यहाँ पे क्या कर दिया इन्होंने तो इनकी तो बात ही है फिर से एक बार देख लेते हैं भाई ब्रिटिश हिस्टोरियन ने क्या करा हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश में इंडिया को तीन इंडिया की जो इतिहास है इंडिया की जो हिस्ट्री तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दी हिंदू मुस्लिम एंड ब्रिटिश और उनका ये कहना था कि जो है वक्त के साथ साथ बस राजाओं के धर्म चेंज हुए लाइक पहले हिंदू धर्म वाले राजा थे फिर मुस्लिम वाले आए फिर ब्रिटिश आए बट बाकी कोई इकोनॉमी में कोई चेंज नहीं हुआ सोसाइटी कल्चर में कोई बदलाव उन्होंने देखा कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ चेंज नहीं मतलब कोई विकास नहीं हुआ कुछ अच्छा खास नहीं हुआ और इन्होंने जो रिच डाइवर्सिटी वो भी इग्नोर करी ठीक है अब ये बात करें कि भाई हम पुरानी बात करते हैं तो हमने पुराने टाइम पे ये पढ़ा है कि भाई हंटर एंड गैदर्स कैसे आए है ना न्यू रिलीज मतलब वैद, वैद कैसे बने साथ में एम्पायर्स एंड किंगडम्स कैसे बने ठीक है चलिए द हिस्ट्री वी विल बी स्टडिंग दिस ईयर आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज मिडाइवल अब जो अभी हम पढ़ रहे हैं जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ जो आप अच्छे से पढ़े मज़े से पढ़ रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं उसे हम बोलते हैं मिडाइवल ये रहती है मध्यकालीन इतिहास वी विल फाइंड आउट मोर अबाउट द स्प्रेड ऑफ पीस इन सोसाइटीज द राइज ऑफ़ रीजनल एंड एम्पीरियल स्टेट फॉर्मेशन समाइम्स एट द कॉस्ट ऑफ पेस्टोरल एंड फॉर पीपल द डेवलपमेंट ऑफ हिंदूज्म मेजर रिलीजन एंड द अराइवल ऑफ़ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज अगर हम बात करें सात सौ से लेके सात सौ से लेकर सत्रह सौ पचास की तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे इसमें हम पढ़ेंगे मिडाइवल हिस्ट्री मध्यकालीन इतिहास के बारे में हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या क्या मिलने वाला है हमें पीजन सोसाइटीज़ के बारे में जो फार्मर सोसाइटीज फार्मर लोग हैं जिन पर इन्फ्लुएंस आ रहा था किन का बड़े लोगों का जैसे उनको टैक्स देना पड़ता था बेचारे पीजन लोगों को फिर अलग अलग जातिज अलग अलग सब डिविज़न अपने रैंक के हिसाब से सब बैठने लगे ठीक है तो क्या था ये पढ़ेंगे देन हम पढ़ेंगे भाई रीजनल अलग अलग रीज़न्स बने इंपीरियल स्टेट फॉर्म हुए इंपीरियल मतलब राजा महाराजा से रिलेटेड होता है इंपीरियल पर्सन यानी राजा महाराजा समटाइम्स एट द कॉस्ट ऑफ पेस्टोरल एंड फॉरेस्ट पीपल द डेवलपमेंट ऑफ हिंदुइज्म ये हुआ मतलब जो है पेस्टोरल हमने भी देखा था ना हमने क्या देखा था फॉरेस्ट वगैरह क्लियर कर दिए गए थे एग्रीकल्चर ज्यादा बढ़ा था ये देखा था ना एग्रीकल्चर ज्यादा बढ़ने लग गए थे एक्सटेंशन होने लग गया था एग्रीकल्चर का और फॉरेस्ट क्लियर होने लग गए थे तो ये सब यहाँ है ठीक है और अगर रिलीजन की बात करी जाए धर्म की बात की जाए तो हिंदू और इस्लाम धर्म बहुत मेजर रिलीजन थे इस टाइम के किस टाइम के मिड हिस्ट्री के टाइम के ये दोनों बहुत मेजर बड़े जो इंपॉर्टेंट रिलीजन थे धर्म थे उस वक्त के देन आखिरी में हम क्या देखेंगे इसके बाद आना स्टार्ट हुआ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज ट्रेडिंग कंपनीज ये ध्यान रखना कि ब्रिटिशर्स पहले से इसलिए नहीं आए थे कि हम पे राज करेंगे इंडिया बहुत रिच इंडिया को क्या बोलते थे गोल्डन चिड़िया सोने की चिड़िया गोल्डन बर्ड कहा जाता था इंडिया को पता है किसी को पता था पता भी होगा बट क्यों कहा जाता था अच्छे खासे सब चीज़ मिलती मतलब सारी क्रॉप्स वगैरह हर टाइप की वेराइटीज़ इंडिया में मौजूद थी मिनरल्स वगैरह जो है क, जो और साथ में जैसे कपड़े वगैरह से रिलेटेड कॉटन या मसाले वगैरह है ना इंडिया के मसाले तो बहुत फेमस थे साउथ साइड के देन और भी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा फेमस थी तो इसके कारण क्या इंडिया को गोल्डन चिड़िया कहा जाता था काफ़ी मतलब फ़ायदा मिलता था जो यूरोपियन ट्रेडर थे तो वो पहले ट्रेडिंग के लिए आए थे कि इंडिया से सस्ते में जैसे मसाले सस्ते में ख़रीद लिए कुछ भी ऐसा जो इंडिया, उनके वहाँ नहीं मिल रहा इंडिया में मिल रहा है सस्ते में खरीदा और अपने यहाँ देश में जाके महंगे में बेच दिया तो ऐसे कर करके कर उन्हें उनको काफ़ी अर्निंग होने लगी बट जब उनको लालच बढ़ता गया बोलते ना लालच बढ़ता गया लालच बढ़ता गया तो मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं फिर भाई इंडिया को तो बना लिया अपना गुलाम इंडिया बन गया इनका गुलाम ठीक है तो भाई पहले तो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज आई थी वो सिंपल ट्रेड करने थी तो ये सब हम पढ़ेंगे मिडाइवल हिस्ट्री में द सिक्सटीन्थ एंड एटीन सेंचुरीज़ वर्क वाइड डिफरेंट फ्राम द एटथ और द एलेवेंथ अगर हम बात करें कब की सोलवीं और अठारहवीं शताब्दी की तो ये किससे डिफरेंट है ये डिफरेंट है आठवीं और द और ग्यारहवीं शताब्दी से ऑब्वियसली ज़रा से छः सात महीनों में फ़र्क आ जाता है तो ये तो सेंचुरीज़ हैं मैं तब की कहाँ सिक्सटी से लेकर अगर यहाँ एट्थ की बात करें तो एट्थ की सेंचुरी में क्या काम हो रहा होगा आठवीं शताब्दी में क्या हो काम हो रहा होगा और अठारहवीं में क्या है तो फ़र्क आएगा कि नहीं आएगा तो बहुत डिफ्रेंस था ये सब आया समझ में कि हम क्या पढ़ने वाले हैं ये आपको पढ़ना है भी ये आपको क्या करना है ये आपको पढ़ना है कौन रेडी है पढ़ने के लिए और रेडी क्या पढ़ ही रहे हैं ठीक है द मडाइवल पीरियड इज ऑफन कंट्रास्टेड विद द मॉडर्न पीरियड मडाइवल पीरियड को कॉन्ट्रास्ट में लिया जाता है विद मॉडर्न पीरियड कॉन्ट्रास्ट मतलब उल्टा धूप छाँव काला गोरा लंबा छोटा कॉन्ट्रास्ट उल्टा मॉडर्निटी कैरीज विद सेंस ऑफ मटीरियल प्रोग्रेस इन इंटलेक्चुअल एडवांसमेंट

उल्टा ही था कॉन्ट्रास्ट था क्यों क्योंकि इनका कहना है कि भाई मॉडर्निटी क्या करती है विद द सेंस इट मटेरियल प्रोग्रेस मटेरियल प्रोग्रेस और इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट मतलब लोग की सोच लोग की बिलीफ से मॉडर्निटी आई लोग ऐसे सुपर नेचुरल टाइप की चीजों में बिलीव नहीं करते थे लोग मॉडर्न हुए ठीक है मटेरियल चीज मतलब और भी डेवलपमेंट्स हुए बिल्डिंग्स वगैरह चीजों से रिलेटेड और भी चेंजेस आए ठीक है तो ये मटेरियल चेंजेस हो गए दिस सीम्स टू सजेस्ट दैट द डेट पीरियड वॉज लैकिंग इन एनी चेंज वॉट्स इसमें ये क्या बताना चाह रहे हैं कि यहाँ तो डेवलपमेंट हुआ चाहे वो इंटेलेक्चुअल वे में हो मतलब हमारे दिमागी तौर पे हमारी सोच बदली हम सोच से मॉडर्न हुए है ना प्रोग्रेस हुई मटेरियल चीजों में बट अगर मेडाइवल पीरियड की बात करें तो इन्होंने कहा है कि लेक कर रही है यहाँ पे मेडाइवल पीरियड क्या हुआ लैक हुआ उसमें कोई खास ऐसे चेंज नहीं हुए वो लेक कर रहा था तो और यहाँ पे बढ़िया चेंजेस हुए बट ऑफकोर्स वी नो दिस वॉज नॉट द केस बट हमें बहुत अच्छे से पता है ऐसा कुछ भी नहीं था अगर हम मुगल्स की बात करें दिल्ली सल्तनत की बात करें और भी राजा महाराजाओं की बात करें तो काफी जो है चीज़ें अभी भी भारत में जो बनी हुई है वो अभी भी हैं जिनकी तारीफ होती है जिनको लोग देखने आते हैं दूर दूर से क्या है वो आप मुझे बताइए आपको भी पता है मैं किस बारे में बोल रही हूँ तो क्या है बस उन्होंने कुछ नहीं किया कितने सारे फीचर्स या क्रिएटिविटी पेंटिंग्स आर्ट वगैरह की चीज़ें उस वक्त आई हैं तो ये क्या है ये भाई विकास है अच्छी चीज़ें थी काफ़ी अच्छी चीज़ें हमें उस वक्त मिली है जो अभी हम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा बट ये कह रहे हैं कि नहीं मॉडर्निटी जो इंटेलेक्चुअल जो मटेरियल जो अच्छा सब कुछ आया है वो मॉडर्न इंडिया के टाइम आया मेडावल के टाइम पर ऐसा कुछ भी नहीं था

है, 1750 की बात करें तो ये हजारों सालों का फर्क है तो ये क्या है ड्यूरिंग दिस ईयर द सोसाइटी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म किसमें ट्रांसफॉर्म ऑफन एंड इकोनॉमीज इन सेवरल रीजन रीच अ लेवल ऑफ प्रोस्पेरिटी मतलब इस टाइम पे क्या हुआ है कि काफी प्रॉस्पेरिटी मतलब काफी प्रॉस्परस हुआ है हमारा भारत काफी बदलाव आए हैं चेंजेस आए क्रिएटिविटीज़ आई हैं बहुत सी चीज़ें हमें यहाँ मिली हैं तो कि क्या है ये बदलाव हुए हैं ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं हुआ है ये कह रहे हैं कि यहाँ पे इंटेलेक्चुअल मटेरियल तो यहाँ हुआ है यहाँ पे कुछ भी नहीं नहीं बहुत सी आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें मिली बहुत से डेवलपमेंट हुए स्कल्पचर्स बने बिल्डिंग्स बने आर्किटेक्चर्स बने ठीक है रीच पॉस्पैरिटी दैट अट्रैक्टेड द इंटरेस्ट ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज भाई तभी तो तभी तो आखिर मेडावल हिस्ट्री के बाद ही तो यूरोपियन आए जब मेडावल हिस्ट्री एंड हो रही है जो हम पढ़ हमने देखा था ना लास्ट स्लाइड में कि हमें हमें क्या पढ़ना पड़ेगा अर्लियर जो आए थे यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज तो क्यों आए थे जब मिडाइवल में इतनी ज्यादा फ्लोरिश हुई होगी इंडिया वही देख तो आए थे उसी से तो अट्रैक्ट होकर आए थे कि नहीं आए थे क्या मैं गलत बोल रही हूँ क्या ये लोग जो खुद पे बड़े खुद की तारीफ कर रहे हैं बड़े अच्छे से कि भाई ये जो भी हुआ ब्रिटिश के टाइम पे हुआ तो तुम आप लोग फिर भारत आए क्यों इसीलिए तो आए जो मिडाइवल के टाइम पे हर चीज इतनी फ्लोरिश इतनी अच्छी इतना अच्छा आपको मिला सब कुछ बहुत संपन्न था तभी तो जो गोल्डन चिड़िया को आप लूट निकले हैं भारत को आप जो है ट्रेड के पर्पज से उसके बाद हक जताने आ गए आपने तो गुलाम बना दिया तो क्या ये अट्रैक्ट होकर ही तो आए हैं तो ये है उनका मतलब है आया समझ में आया समझ में तो क्या कर दो फटाफट से लाइक कर दो ये सब है उनका कहना है कि भाई मॉडर्निटी ऐसी है जो इंटेलेक्चुअल मटेरियल हो मेडा मेडाइवल से तो बहुत अलग है ठीक है ऐसा उनका मानना है बट मेडाइवल की जो प्रॉस्पेरिटी इतना अच्छा फ्लोरिश हुआ मेडाइवल के टाइम पे तभी तो भाई आप मॉडर्न टाइम पे आए हो इंडिया पे अटैक करने इंडिया के साथ ट्रेड करने अट्रैक्ट होके इंडिया की जो है संपत्ति से इतनी सक्सेस से इतना फ्लोरिश जो है चाहे क्रॉप्स हो गए चाहे मसाले हो गए चाहे कपड़े जो भी है इतना अच्छा था सब इंडिया में ठीक है चलिए सो so, इसी के साथ आपका एक जो टॉपिक है एंड होता है आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे जो है इंडिया को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया उन्होंने हिंदू मुस्लिम और साथ में ब्रिटिश और कह रहे हैं कि ब्रिटिश का बहुत अलग लेवल है और मिडाइवल का अलग जबकि आपको पता है ऐसा नहीं है अगर मिडाइवल में चीज़ें फ्लोरिश हुई तभी तो जाके ब्रिटिशर्स आए उनका लालच बढ़ा उन्होंने ट्रेड करा और इतना लालच बढ़ा उनका कि क्या हो गया क्या हो गया उन्होंने तो गुलाम बना दिया तो आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए लाइक like जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपके क्लासमेट्स को भी पता चले कि ऐसा ऐसा हुआ था क्योंकि इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया था कि कितने टाइप्स में डिवाइडेड है जो ब्रिटिश हिस्टोरियन ने नाइनटीन सेंचुरी में डिवाइड किया था इसी के साथ आपकी वीडियो और टॉपिक एंड होता है अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट बेंस के यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं एप्लीकेशन पे देख सकते हैं वेबसाइट पे देख सकते हैं ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है ये कुछ हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं जैसे कि सी बोर्ड डेली बोर्ड बिहार बोर्ड यूपी बोर्ड एम बोर्ड राजस्थान बोर्ड वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अच्छी क्वालिटी में और हंड्रेड फ्री अवेलेबल हैं आप मैग्नेट बेंस के हिंदी मीडियम चैनल को भी जरूर देखें फॉलो करें बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस वहाँ आपको मिलेगी आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं जैसे कि फेसबुक इंस्टाग्राम एक्स टेलीग्राम और व्हाट्सअप पर ज़्यादा लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें अपना ख्याल रखें थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग